नमस्कार दोस्तों, रोजाना राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सके। तो आइए दोस्तों, सके साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 22 अप्रैल 2022 के आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी अश्वमेध बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं यश में। ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीजों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी। साथ ही दोस्तों, वीडियो के मध्य में आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे विचार दिए गए हैं, जिन्हें आप जरूर देखिएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, इस दिन शुक्रवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी और दोस्तों इस दिन पूर्वाषाढ़ा नाम का नक्षत्र रहेगा। और दोस्तों, इस दिन योग की बात करें तो दोस्तों इस दिन शिव नाम का शुभ योग सुबह के 7:11 रहेगा, उसके उपरांत शुक्रवार सिद्धि नाम का शुभ योग प्रारंभ हो जाएंगे। और दोस्तों, इसके उपरांत इस दिन राहुकाल के समय की बात करें अर्थात अशुभ समय की, दोस्तों ध्यान रहे आप यह समय कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को भूल से भी ना करें। तो दोस्तों, यह समय रहेगा सुबह के 10:50 से लेकर दोपहर के 12:25 तक। और दोस्तों, चंद्रमा दिन धनु राशि के उपरांत मकर राशि में संचार कर जाएंगे। झूठ बेवजह दलील देता है, सच खुद अपना वकील होता है। सब खामोश है यहाँ, कोई आवाज नहीं करता, सच बोलकर कोई किसी को नाराज नहीं करता। आईना भला कब किसी को सच बता पाया है, जब भी देखो दायां तो बायां ही नजर आया है। दोस्तों, हर शख्स दोहराता है ये जुमला हर रोज की, मुझे झूठ से नफरत है, मैं परेशान हूँ ये सोचकर कि आखिर झूठ बोलता कौन है। दोस्तों, तीन चीजें अधिक समय तक छिप नहीं सकती, सूरज, चंद्रमा और सत्य। अगर आप सच देखना चाहते हैं तो ना सहमति और ना असहमति से राय रखिए। दोस्तों, कश्तियाँ गलतफहमियों की झूठ के समंदर में कब तक बेखौफ चलेगी, डूब जाएगी खुद ब खुद ही जिस वक्त वह सच के किनारों पे मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। धेनी राशिफल। दोस्तों, यश में लोगों की परवाह न करके अपनी योग्यता अनुसार मन मुताबिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखें, आपको अवश्य कोई उपलब्धि हासिल होगी, सामाजिक दायरा बढ़ेगा तथा रुकी हुई पेमेंट वगैरह आने से आपको राहत महसूस होगी। दोस्तों, यश में सावधानी की अगर बात करें तो कभी कभी ईगो और अति आत्मविश्वास आपको अपने लक्ष्य से यश में भटका सकता है। दोस्तों, इसलिए अपने मन को जो है संयमित रखना आपके लिए यह समय अति आवश्यक होगा। दोस्तों, किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में यश में दिक्कत अगर आ रही है तो दोस्तों घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह लें, ये आपके लिए आवश्यक होंगे और दोस्तों इनसे आपको कोई समाधान भी मिलेगा। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए जो समय होंगे, मित्रों द्वारा आपके साथ मनमुटाव को दूर करने की कोशिश की जाएगी और दोस्तों अपने अहंकार को दूर रखकर करीबी व्यक्ति को माफ करना आपको यह समय सीखना होगा। दोस्तों, परिवार और काम दोनों जगह प्रगति प्राप्त होगी, स्वास्थ्य में भी यश में सुधार देखने की वजह से आपका उत्साह यश में बढ़ेगा, काम के बारे में कुछ नया करने की योजना भी यश में बन सकती है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों कुछ विशेष कार्य संबंधी योजनाएं यश में क्रियान्वित होंगी। दोस्तों, घर के रखरखाव संबंधी कार्यों में भी समय यश में व्यतीत होगा, दूसरों के दुख दर्द और तकलीफ में उनकी सहायता करना तथा आपका सकारात्मक व्यवहार समाज में आपकी छवि को और अधिक यश में निखारेगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें क्योंकि दोस्तों अकस्मात ही कोई खर्चे यश में सामने आने की आशंका बन रही है। दोस्तों, अपने व्यक्तिगत जीवन से जुड़े सभी निर्णय आप स्वयं ही लें, अगर प्रॉपर्टी या फिर वाहन से संबंधित लोन लेने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो दोस्तों यह समय इन्हें स्थगित रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों कई सारी बातों के बारे में निर्णय लेने का समय यश में आ गया है जिसकी वजह से मन में बेचैनी सा आपको महसूस भी होगा। दोस्तों, कुछ बातों को पीछे छोड़कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए दोस्तों यश में पुरानी बातों में अधिक ना उलझें, आपके द्वारा मिला सहयोग मित्र के लिए अधिक मायने रखेगा। मन में बढ़ रही बेचैनी और गुस्से को शांत करने के लिए सांस संबंधी व्यायाम यश में जरूर करते रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आप जो है अपने कार्य को जितने अधिक परिश्रम से करेंगे उनके ही अनुरूप आपको उचित परिणाम यश में हासिल होगा।
दोस्तों युवा वर्ग अपने किसी दुविधा को दूर होने से राहत भी महसूस करेंगे और दोस्तों भविष्य संबंधी फैसला लेने में भी यश में आपके अंदर आत्मविश्वास और हिम्मत बढ़ेगी। साथ ही दोस्तों यश में किसी नजदीकी संबंध को लेकर आपके अंदर शक व फिर वहम जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है और दोस्तों इसकी वजह से संबंध भी खराब हो सकते हैं। बेहतर होगा कि इसकी वजह से आप संबंध को खराब न होने दें और नकारात्मक बातों को अपने दिमाग में जो है उपजने ही ना दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके बाद दोस्तों यश में आपके लिए जैसे होंगे दोस्तों काम मनचाहे वक्त पर ना पूरा होने की वजह से आपके ऊपर तनाव भी बना रहेगा, लेकिन दोस्तों काम पूरा करने के लिए अपने प्रयत्न आप करते रहें, आपको अपनी निर्णय क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। यश में आपके लिए मार्गदर्शक कोई ना होने की वजह से अकेलापन आपको महसूस हो सकता है, फिर भी दोस्तों परिस्थिति में बदलाव अपनी भावनाओं को काबू में करके किया जा सकता है, तो दोस्तों इन पर आप ध्यान दें। इसको उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे परिस्थिति पूर्णतः आपके पक्ष में ही है, सिर्फ कोई भी निर्णय लेने से पहले उस पर अच्छी तरह विचार विमर्श करने की जरूरत होगी। दोस्तों धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपकी यश में आस्था बढ़ेगी तथा आपकी जीवन शैली में भी सकारात्मक परिवर्तन यश में आएंगे। इसके उपरांत ही दोस्तों यश में आप जो है किसी व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी किसी भी कार्य में रिस्क ना लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे क्योंकि दोस्तों बहुत बड़े नुकसान होने की भी आशंका यश में लग रही है। इसके उपरांत दोस्तों घर के बुजुर्गों के मान सम्मान में भी किसी प्रकार की कमी न करें क्योंकि दोस्तों उनकी नाराजगी घर के वातावरण में उदासी ला सकता है, तो दोस्तों इन पर भी आप ध्यान दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों किसी भी विषय में निर्णय ना होने की वजह से एक जगह अटके रहने की संभावनाएं आपके अंदर पैदा हो रही है। दोस्तों यदि आप परिस्थिति में बदलाव चाहते हैं तो दोस्तों आपके विचारों में भी बदलाव आपको करना चाहिए। हर चीज़ पर नियंत्रण करने की आपकी जो कोशिश है इसमें आपको तकलीफ दे रही है। दोस्तों केवल अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए काम करते रहें। लक्ष्य किस मार्ग से प्राप्त होगा इस बात का अधिक तनाव खुद के ऊपर ना बनाएं। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपके करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे दोस्तों मार्केटिंग संबंधी सभी कामों को स्थगित रखें क्योंकि लाभ की संभावनाएं कम ही है। दोस्तों यश में अपना पूरा ध्यान कार्यस्थल पर ही केंद्रित रखें, दूसरों के बजाय अपने विचारों को ही यश में प्राथमिकता दें। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये जो समय होंगे अपने अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और दोस्तों इसके उपरांत आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों कारोबारी विस्तार संबंधी योजनाएं बनेंगी, परंतु उन पर निवेश करने से पहले सभी पहलुओं पर आपको विचार करना अति आवश्यक होगा। दोस्तों किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करने के लिए जो समय होंगे अति उत्तम समय होंगे, कोई भी ऑफिशियल यात्रा भी यह समय हो सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके कार्य क्षेत्र के लिए जो समय होंगे कार्य क्षेत्र में आपकी उपस्थिति होना यश में आवश्यक होगा क्योंकि दोस्तों यह समय कर्मचारियों पर अत्यधिक विश्वास करना आपके लिए उचित नहीं होगा। राजकीय मामलों को थोड़ा ध्यान से करें क्योंकि दोस्तों किसी उच्च अधिकारी से कहा सुनी भी हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे अधिकतर व्यवसायिक कार्य निर्विघ्न पूरे होते जाएंगे, आर्थिक स्थिति भी यश में बेहतर होंगी, परंतु दोस्तों टैक्स और लोन संबंधी मामलों को स्थगित रखना आपके लिए उचित होगा। नौकरी पेशा व्यक्ति जो है अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करें क्योंकि दोस्तों पदोन्नति के अवसर यशमय बन रहे हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में घर का वातावरण मधुर बना रहेगा, अचानक ही किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की वजह से मन भी यश में प्रफुल्लित रहेगा तथा दोस्तों यश में पुरानी यादें भी ताजी होंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपके प्रेम जीवन के लिए जो समय होंगे दोस्तों जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी परेशानी रह सकती है, दोस्तों उनका सहयोग करना आपके लिए आवश्यक होगा और दोस्तों इससे आपसी संबंध में और अधिक नजदीकी आएंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे दोस्तों अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद भी अपने परिवार के लिए कुछ समय अवश्य निकालें, इससे दोस्तों परिवार में आपसी प्यार और सामंजस्य बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे दोस्तों पारिवारिक वातावरण यश में स्वादपूर्ण रहेगा, जीवन साथी का सहयोग आपकी कई परेशानियों का भी हल करेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में शारीरिक और मानसिक थकान रहेगी और दोस्तों इसलिए कुछ मनोरंजन संबंधी कार्यों में भी अपना समय को व्यतीत करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे कभी कभी नकारात्मक विचारों के उठने से तनाव रहेगा जिसका असर आपकी शारीरिक क्षमता पर भी पड़ सकता है। दोस्तों यश में आप योगा और मेडिटेशन पर जरूर ध्यान दें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे गलत खान पान की वजह से गैस व फिर बदहजमी जैसी शिकायत रह सकती है, दोस्तों अपना खान पान बहुत अधिक संयमित रखने की आपको आवश्यकता होगी।
इसके उपरांत ही दोस्तों यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपके सेहत के लिए जो समय होंगे दोस्तों, जोड़ों में दर्द जैसी समस्या बढ़ सकती है। यह समय अपना उचित ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक होगा। लापरवाही ना बरतें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपका भाग्यशाली रंग रहेगा केसरिया और भाग्यशाली अंक रहेगा 5।